न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सिवनी में पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, बिहार के मुजफ्फरपुर में गरजे अमित शाह। नेपाल में फिर हिली धरती, 3.6 थी तीव्रता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पलटवार, अमित शाह से पूछे 5 सवाल। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आज से निबंधन शुरू। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़कर विराट कोहली ने की सचिन की बराबरी। अब खबर विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कांग्रेस पर आदिवासियों के कल्याण के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि विपक्षी पार्टी उसके दो वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में अपने बेटों को स्थापित करने और राज्य में पार्टी संगठन पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि हम उन आदिवासियों के भक्त और पुजारी हैं जिन्होंने राजकुमार राम को पुरुषोत्तम भगवान राम बनाया। देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI अति गंभीर श्रेणी में पहुंचने की वजह से स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल 6 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास ली जा सकती है। नेपाल में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू के 169 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले शुक्रवार रात आए भूकंप के कारण देश के सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 157 लोगों की जान चली गई और 160 से अधिक लोग घायल हैं, जबकि सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया। इस दौरान उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को याद करते हुए बिहार को जंगल राज और पलटू राम से मुक्त करने की प्रार्थना की। पताही हवाई अड्डे पर आयोजित किसान रैली के मंच पर पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले बिहार की जनता को छठ पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मुजफ्फरपुर की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने सर्वे के रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि लालू प्रसाद के दबाव में नीतीश कुमार ने आंकड़ों में हेराफेरी की। जातीय सर्वे को उन्होंने OBC और EBC के साथ छलावा बताया। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश और बिहार की महागठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश ने JDU अध्यक्ष ललन सिंह के घर पर उनसे मुलाकात कर रहे थे। नीतीश करीब 9:45 ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। नीतीश और ललन सिंह की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं नीतीश से मुलाकात के कुछ घंटों बाद ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह पर पलटवार किया। ललन सिंह ने अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो भी आपका स्क्रिप्ट लिखते हैं उनसे कहिए सही से लिखें। JDU के 11 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने आपसे मिलकर देश भर में जातीय गणना करवाने को कहा था और आज आप जातीय सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं, आपका चरित्र दोहरा है। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में जो आंकड़ा है वो 100% सही है। उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से 5 सवाल पूछे। आज बयान जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी झूठ व भ्रम न फैलाएं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अमित शाह इन सवालों का जवाब दे देंगे। उनके साथ साथ हिंदुओं की 85% पिछड़ा और दलित आबादी की भी आंखें खुल जाएंगी। इससे पहले तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज है। जिस प्रदेश में नौकरियां बांटी जा रही है वहां जंगल राज कैसे हो सकता है। अमित शाह के पास कुछ कहने को नहीं है तो झूठ और बकवास करने बिहार आते रहते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव के साथ द्वितीय फेज की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। आज से निबंधन और 10 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे। कंसोर्टोरियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की ओर से आयोजित संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा यानी CLAT 2024 के लिए पंजीयन प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 10 नवंबर तक CLAT UG व PG के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2023 निर्धारित थी। इच्छुक अभ्यर्थी स्नातक व पारा स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए आधिकारिक वेबसाइट कंसोर्टोरियम ऑफ NLUS.AAC.IN पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजधानी पटना के एक सरकारी स्कूल में एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब शरारती तत्वों ने स्कूल की पानी टंकी में जहरीले पदार्थ डाल दिया।
बच्चों ने पानी में झाग और बदबू आने की शिकायत की। मामले की जांच की जा रही है। घटना नौबतपुर के राजकीय मध्य विद्यालय पाली की है। अब खबर छपरा से है, जहां एक वीडियो सामने आया है जिसमें मसरक प्रखंड मुख्यालय के कार्यालय में बने RTPS काउंटर में बैठे अधिकारी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे मांग रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि आवेदक आवेदन फॉर्म के बीच में रुपए रख काउंटर पर दे रहे हैं। हालांकि दर्श न्यूज वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज नगरी और घुड़ावाल में कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, पोषक और संरक्षक है। कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी कभी भी भारत माता की जय नहीं बोल सकते। झारखंड की राजधानी रांची में आज प्रदेश कांग्रेस के जिलाध्यक्षों व विधानसभा प्रभारियों की समीक्षा बैठक हुई। ध्रुवा स्थित पुराना विधानसभा सभागार में दिन के 11:30 बजे बैठक हुई। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा की गई और तैयारी के लिए निर्देश दिए गए। झारखंड के ललपनिया में संताली आदिवासियों का राज्य स्तरीय आक्रोश महाजुटान शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में राज्य के कोने कोने से आदिवासी पहुंच रहे हैं। ये DVC के प्रस्तावित लुगु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत और जापान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। फाइनल देखने के लिए खेल प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी है। स्टेडियम के बाहर लंबी कतार लगी है। अधिकारी भीड़ कंट्रोल करने में जुटे हैं। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने जन्मदिन पर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। विराट कोहली ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार शतक जड़ दिया। यह विराट का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 49वां शतक है। इस शतक के साथ ही विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। विराट ने यह शतक 119 गेंदों में पूरा किया। इस वर्ल्ड कप में कोहली का यह दूसरा शतक था। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने शतकीय पारी खेली थी। मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के ऊपर एक विशाल जीत दर्ज की। 327 रनों के लक्ष्य के जवाब में अफ्रीकी टीम 27.1 ओवर में महज 83 रनों पर सिमट गई और भारत ने 243 रनों से जीत दर्ज की। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। अब बात मौसम के मिजाज की। पछुआ के प्रभाव से बिहार झारखंड में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट आने लगी है। ऐसे में सुबह शाम ठंड बढ़ सकती है। पिछले 2-3 दिन पूर्वा प्रभावी रहने और बादलों की आवाजाही से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन दिवाली के बाद ही पारे में उल्लेखनीय गिरावट के आसार हैं। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।